देख सकते हैं किस तरीके से जो सर्कल का मूवमेंट है उसके अराउंड टीम्स यहां पर मूव करने वाली हैं। इन सब चीजों के बीच में देखिए एक फाइट डेफिनेटली होती नजर आ सकती है। टीम एक्स पाकुन ने डिसाइड किया है कि यहां पर रुकना चाहेंगे। वेल इट लुक्स लाइक नो, बट डैमेज देने की कोशिश जरूर दोनों तरफ से आई थी और आप देखिए वो डैमेज अभी भी पड़ता रहा। इनफैक्ट सब प्लेयर्स पे टीम एक्स पाक के डैमेज पड़ा जरूर है, बट वो आगे निकल जरूर है लेकिन वहां पर खतरा टलेगा नहीं। वहीं से गॉड लाइक की भी रोटेशन हो रही थी, आई गेस वो ये रीड कर चुके हैं एंड नाउ दे फाइंड देमसेल्व्स गुड। थिंक अबाउट द बैटल ऑफ द गोलायथ्स, टीएसएम Team X-Pac versus Godlike, and well, it looks like the battle's going good because TSM is going on a roll right now. Team X-Pac, you better be prepared. I mean, अभी I think short के cues आए हैं यहाँ पे TSM को, क्योंकि Team X-Pac की तरफ से हमने Gyro God को knockout होते हुए देखा था। Godlike यहाँ पे ये बात इन्होंने expect नहीं करती। It's a third party in the first fight. Shadow को यहाँ पे knockout किया जाएगा और Ultron अभी भी कोशिश कर रहे हैं अपने teammates को support provide करने की। Smokes यहाँ पे deploy किए जाएंगे ताकि Gyro God को वापस से इस game में लाया जाए। But Aquanox पर भारी पड़ती हुई Godlike squad, Z-God is pushing forward with full power और यहाँ पे देखिए TSM के काफी players को हम down होता हुआ देख रहे हैं। Godlike की अगर बात करें, Jonathan को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा। Z-God की HP थोड़ी सी ज्यादा कम है, बट फिर भी Godlike ने काफी अच्छे से प्रेशर बनाया दोनों TSM और X-Pac के ऊपर। Godlike versus Team X-Pac versus TSM, this is actually the battle of Goliaths और इसके बीच में आप देखिए और भी टीमें आना चाहती है। There are multiple teams on the other sides as well, लेकिन इन तीनों टीमों को समझना पड़ेगा कि क्या वो इस फाइट पे कर सकते हैं। चेली आ चुके हैं, Jonathan को डाउन किया जा चुका है, he was not ready for this और Godlike के प्लेयर्स जस्ट थोड़ा डिसएंगेज करके मूव करना चाहेंगे, बट वो जहां जा रहे वहीं पर तो TSM के प्लेयर्स हैं। बात करी और दर्शन हो गए शैडो के, जो कि अपनी स्कारल का कहर बरसा के नियो को डाउन करेंगे। अब उनकी नजर टीम X-Pac के प्लेयर्स के ऊपर है। हर टीम को नुकसान जरूर हुआ, नुकसान की बात करें तो एक और ग्रेनेड यहां पर गया एंड 420 इज डाउन, ही विल बी आउट इन अ वाइल। निंजा उस चीज का कंफर्मेशन करने आए हैं, अपने आप ही खाता खोलेंगे और आगे निकलने की शुरुआत करेंगे। दो फिनिशेस इस टीम के पास एंड देन जेली दी IGL इज कमिंग अप फॉर Godlike एज वेल। दिक्कतें थोड़ी बहुत बन रही है, Jonathan इज डाउन और उनके संगी साथी जो है उनकी भी HP कम हो चुकी है। जॉनी, मैं OR के जेली का फैन बन चुका हूँ, मौके पे चौका मारने वाली बात करें। अमेजिंग तरीके से इन्होंने अपने मोमेंट को स्पॉट आउट किया कि सामने तीन टीम्स की फाइट चल रही है, ओपन पोजीशन में प्लेयर नॉक्ड आउट है और यहाँ पे OR के प्लेयर्स अपने एक्स्ट्रा फिनिशेस निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जेली को देखिए कॉन्स्टेंटली वो टैप शॉट्स और बर्स्ट बीच बीच में उस स्मोक के ऊपर चलाते जा रहे हैं ताकि Godlike के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी HP रिकवर ना कर पाए। बट ऐसे में ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स का चाइम इन करना और आतंकी का नॉकआउट हो जाना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी जरूर पड़ सकता है। आप देखिए आतंकी, जैसे कि आपने बात करी, वो डाउन है जरूर। ब्लाइंड योलो अप्रोच शायद शुरू हो चुकी है, ये हमें जानना पड़ेगा वो योलो अप्रोच जो है वो कितना आगे लेकर के जाती है इन प्लेयर्स को। ब्लाइंड के प्लेयर्स वहीं पर है, TSM के प्लेयर्स की बात करें उनके लिए घर उनको मिला है, बट आप देखिए निंजा जॉड इज बेली सर्वाइविंग एक HP पर, लेकिन टीम X-Pac खतरा शायद उनके लिए टला नहीं है। Gyro God की HP बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन वहीं पर आप देखिए Jonathan भी प्लेयर्स को डाउन करें। इनफैक्ट उन्होंने TSM के शैडो को डाउन कर दिया है। Jonathan आगे की तरफ को मूव करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ करके प्लेयर्स को यहाँ पर फिनिश करने की दरकार जरूर रहने वाली है। धीरे धीरे आगे जा रहे हैं TSM के जो शैडो है अपने प्लेयर्स से शायद थोड़ा सा दूर है, तो रिवाइवल की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर रिवाइवल मुश्किल है तो उस चीज पर तो और अच्छे से कैपिटलाइज Jonathan करना जान करना, बट वो एक स्मोक है जिसने हल्का सा विजन ब्लॉक करा हुआ है। अभी भी Jonathan आगे पुश करते हुए इस बार तो नॉकआउट हो जाएंगे और निंजा जॉर्ड कंफर्म करते हुए वो फिनिश अपनी टीम के लिए। TSM के प्लेयर्स उनको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर होमवर्क क्या रहने वाला है और अब वो जरूर धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव करेंगे। Z-God की बात करीजिए, आप देख सकते थे उनको यहाँ से डिसएंगेज जरूर करना पड़ेगा। और उसी सब के बीच में Godlike कहीं ना कहीं फिर से बिखरती नजर आई है। 16 टीमें अभी भी जीवित है, लेकिन इन सबके बीच में Godlike का इकलौता प्लेयर यहां पर जरूर सर्वाइव करता हुआ नजर में आ रहा है। Z-God is surviving, does not have anything to heal. उनके पास कुछ नहीं है हील करने के लिए, उनकी वेस्ट भी पूरी की पूरी यहां पर खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक हेलमेट बचता है। और उसी चीज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इस प्लेयर को रहना पड़ सकता है, उनकी सिचुएशन काफी खराब। TSM के प्लेयर्स उस पर कैपिटलाइज करना जरूर चाहेंगे, बट व्हाट इज गोइंग ऑन ऑन टू द माइंड्स, क्योंकि TSM को जोन में जाना, लेकिन यहां पर आप देखिए प्लेयर्स उनको स्पॉट कर लिया। व्हाट्स गोना हैपन, Z-God थोड़े बहुत शॉट लेंगे, इनफैक्ट प्लेयर को भी डाउन करते नजर आएंगे। TSM Troubles are there for the team right now, and trouble का नाम है Z-God. Exactly, इसको बोलते हैं trouble in paradise. Z-God, Z-God के पास आया, but shadow का backup.